करें। रजत कुमार, इंडिया न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। बहुत बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप जल्दी आते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, भूकंप में लिफ्ट का इस्तेमाल कतई ना करें। भूकंप में लिफ्ट के अंदर आपको उछल कूद नहीं मचानी है, यानी किसी भी कीमत पर पैनिक सिचुएशन आप क्रिएट ना करें। शांति बना करके रखें, अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल कूल होकर के आप करें। अपने कूल को लूज आपको नहीं करना है। छोटे बच्चे अगर लिफ्ट में जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें आपको रोकना है। अगर भूकंप आ जाए तो घबराहट से आपको बचना है। शोर किसी भी कीमत पर नहीं मचाना है, यानी पैनिक सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करनी है। पूरी तरह से अपने दिमाग को स्थिर रखें, स्टेबलाइज करके रखें। घबराहट से आपको आप बचें। चेक करें कि लिफ्ट में फोन है क्या, अलार्म है क्या। जितना आप अपना टेंपर लूज करेंगे, जितना आप अपना कूल लूज करेंगे, उतनी ही दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। यानी आपको डूज एंड डोंट्स में क्या करना है, बहुत आसान तरीके से और आसान शब्दों में हमने बताया है। याद रखें कि लिफ्ट आपकी सुविधा के लिए है, ये सुविधा जानलेवा ना हो जाए, इसीलिए ये शो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। काम की खबर, जिसमें समझिए.com में एक्सप्लेनर्स के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको डूज एंड डोंट्स का पालन किस तरीके से करना है। गुरुग्राम से संजय की रिपोर्ट। ये लिफ्ट कितनी हद तक हो सकती है, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट की बात करें, ये सेंसर से काम करती है, और जब सेंसर काम करना बंद कर देता है तो उसके बाद आपकी जान तक भी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से इस लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, जब कोई भी व्यक्ति लिफ्ट के अंदर जाता है तो वो बटन को प्रेस करता है, और उस बटन के सहारे ही वो कहीं ना कहीं लिफ्ट का जो सेंसर है वो काम करता है। लेकिन जब इस लिफ्ट का सेंसर काम करना बंद कर देता है तो कितना डेंजर हो सकता है, आप देख सकते हैं। लिफ्ट है, और जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं इस लिफ्ट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से हाथ देकर इस लिफ्ट को रोकने के प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कितना घातक साबित हो सकता है, कितना जानलेवा साबित हो सकता है, ये कहीं ना कहीं लोग इससे परिचित नहीं है। जहां लोग आसानी से तमाम चीजों का उपयोग करने के साथ साथ इस लिफ्ट के जो हम बात करें, प्रतिदिन हजारों लाखों लोग लिफ्ट का सहारा लेते हैं, और जब कोई सामने से व्यक्ति आता है तो उसके लिए हाथ आगे कर देते हैं कि लिफ्ट उससे रुक जाएगी, और इसी बीच जब लिफ्ट का सेंसर बेकार हो जाए तो उसकी जान पर बन आती है। इंडिया न्यूज भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो एहतियात जरूर बरतें। जहां आपको सहूलियत मिलती है तो वहीं दूसरी तरफ आप अपनी जान को भी जोखिम में डालते हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एहतियात के साथ आप लिफ्ट का उपयोग करें। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर।